अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। ये आप खुश हैं, ठीक हैं और मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी आज है ईद का थर्ड डे, टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ ईद। तो सेकंड डे का जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कोई भी, क्योंकि हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं यहाँ पे हैं, तो हम लोग उनकी तरफ गए थे, फुल डे हम लोग उधर ही थे, तो इस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग जो है ना नहीं बनाया वहाँ पे। और बस इंजॉय करते रहे थे, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। तो आज थर्ड डे है ईद का, तो हमने सोचा कहीं बाहर चलते हैं, तो हम बाहर जा रहे हैं। तो ये मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट किया है कि ये मैं पहन लेती हूँ। काफ़ी सारे जो मैंने देखे उसमें से मुझे यही सही लगा। तो और इसके साथ मैंने दुपट्टा ले लिया, ब्लैक दुपट्टा लिया है, और साथ में मैंने ब्लैक ट्राउज़र लिया है, तो ये इसके साथ मैचिंग थी। और यहाँ पे मारो शायद से अभी तैयार हो रही हैं, सुकैना को मैंने तैयार कर दिया है, और सुकैना माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही है। और दो पोनियाँ बनाई हैं छोटी सी मैंने सुकैना की, और ये वाली ड्रेस सुकैना ने आज पसंद की है कि मैंने ये ड्रेस पहननी है, तो बड़ी प्यारी लग रही है ड्रेस जो है सुकैना पे, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है सुकैना। तो मैंने सोचा जो है ना, पहले इसने बैग नहीं लिया, बैग भूल गई, अभी अपना बैग लेके आई है। तो यहाँ पे मैंने सुकैना की थोड़ी सी वीडियो बनाई, तब तक मारो शाहजा जो है वो तैयार हो रही हैं, और जैसे ही मारो शाहजा तैयार हो जाएंगी उसके बाद तो थोड़ी सी मैं उनकी वीडियो बनाऊँगी, उन्होंने कौन से आज ड्रेसेस पहनी हैं वो आप लोग देखेंगे, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। और अल्ताफ़ जो हैं वो ऑफ़िस चले गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने कहा था बस मैं जैसे ऑफ़िस से आऊँगा तो आप बच्चों को लेके नीचे आ जाएँ। तो बस यहाँ पे मैं मारो शाहजा को देखती हूँ कि वो जैसे वो रेडी हो गई हैं तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, तो साथ में मैंने सोचा चलें साथ में मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेकअप जो है वो मैंने अपना डन कर लिया है, और आई मेकअप मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है, अब मैंने जस्ट सिर्फ ड्रेस वेयर करनी है। तो यहाँ पर बच्चे भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और मारो शाहजा ने अपनी ये ड्रेसेस पहनी है। पहले तो मैं कह रही थी दोनों सेम पहन लो, क्योंकि इनकी बहुत सारी जो ड्रेसेस हैं वो सेम है, तो मैंने कहा था इनको कि आप सेम पहन लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमने आज जो है वो डिफरेंट पहननी है। तो हुआ ये कि सुकैना की और आयजा की जो ड्रेस है वो सेम है, जस्ट इनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बाकी सेम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ड्राइंग रूम में, तो मैंने वहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स ना अच्छी बनती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा ड्राइंग रूम का जो सेटअप है ना, तो उसका जो उनके जो पर्दे हैं वो बिल्कुल लाइट कलर के हैं, तो धूप बहुत अच्छी खासी आती है, बड़ी पूरी उसमें ना रोशनी होती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और टिकटॉक भी बनाई है बच्चों की, और इंशाल्लाह टिकटॉक भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आयशा अपनी फ्रॉक दिखा रही है, इनकी जो शर्ट्स हैं वो फ्रॉक स्टाइल में हैं, तो दोनों की और मारोश की भी शर्ट बड़ी प्यारी है, मारोश ने ये अपनी शर्ट अपनी पसंद पे ली थी। तो यहाँ पे बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा जब तक हम चलें मैंने बच्चों को थोड़े से स्नैक्स दे दिए हैं, ताकि जो है थोड़ी देर चुप करके बैठ जाएँ, और बस अभी थोड़ा ही टाइम है हम लोग बाहर जाएँगे। और क्योंकि 5 o'clock पे अल्ताफ़ ने कहा था कि मैं 5 o'clock पे आ जाऊँगा, तो आप लोगों ने मैं कॉल करूँगा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे मैं भी जल्दी से तैयार हो गई हूँ, जस्ट 15 मिनट्स हैं 5 o'clock होने में, तो जल्दी से मैं तैयार हो गई, जल्दी से मैंने सोचा जल्दी से मैं अपनी वीडियो बना लूँ कि इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ पर जी कर्टन्स भी हटा देते हैं, काफ़ी सारी रोशनी जो है मुझे अंधेरा लग रहा था, तो बाहर जो है वो अच्छा सा मौसम है यहाँ पर, और बीच में 2-3 दिन गर्मी हो गई थी, लेकिन बहुत आजकल ना बहुत ठंड है, शाम को तो आप लोग यहाँ पे बाहर जाएंगे तो जैकेट्स जो है ना वो पहन के फिर हमें जाना पड़ता है बाहर, इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे रात को। तो यहाँ पे अभी बस हम लोग जाएंगे, अल्ताफ़ की कॉल आ रही थी मुझे यहाँ पे, और बस वीडियो जैसे ही मैंने कम्प्लीट किया तो हम लोग अभी बस जल्दी से निकलेंगे। चलो अब चलो सकिया ना बेटा चलो। चलो आरुष का हाथ पकड़ो, पीछे बैठना, पीछे बैठना है उसमें, चलो बैठो। चलो ठीक है,
चलो। और अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि बच्चों को कहाँ लेके जाएं, तो फिर अल्ताफ ने कहा फैमिली मॉल चलते हैं, वहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं फैमिली मॉल, और अभी 5 o'clock हो रहे हैं, जाते जाते ये 15-20 मिनट लग जाएंगे हमें, और मौसम भी बहुत प्यारा है। तो फैमिली मॉल पहुँच के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ, वहाँ पर कैसा उन्होंने वहाँ पे डेकोरेशन की है कुछ ईद के हवाले से या नहीं, क्योंकि ईद के बाद अभी जो थर्ड डे है, क्या हम लोग अभी बाहर निकले हैं, पहले हम लोग बाहर नहीं निकले थे। यहाँ पे मेहंदी देखिए मेरा उसका कलर उतर गया है, और मेहंदी जो है वो अच्छी नहीं थी, बस एकदम उसका कलर आया, उसके बाद जल्दी से उसका कलर जो है ना रिमूव होने लगा था। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी, और क्लाउडी सा वेदर है, जो मेरा बैग है हैंड बैग है, उसकी रिबन मैंने छोटी डाली हुई थी, तो अभी मैंने ना वो बड़ी वाली रिबन निकाली है, तो अभी मैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है साइड में बैग पहनने की ना, क्योंकि ऐसे कहना कभी कभी कभार उठाना होता है, तो फिर मैं कहीं अपना बैग भूलना चाहती हूँ, मैं साइड में गले में डाल देती हूँ। तो ये है जी फैमिली मॉल, और बस हम पहुँच गए फैमिली मॉल अभी, जो गाड़ी हमने अभी पार्किंग में लगा दी है, और अभी हम आ गए अंदर, और सामने में देखें इतनी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही अच्छा डेकोर किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और चांद सितारा बना हुआ है, तो सामने छोटी सी जो है वो मॉस्क बनाया हुआ है इन्होंने, छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, तो बहुत ही जो है ना खूबसूरत और प्यारा सा ये लुक आ रहा है सारा। तो यहाँ पे ये प्ले एरिया है बच्चों का, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, अंदर बच्चों बड़े बच्चों के लिए अलग एक अंदर बना हुआ है, और छोटे बच्चों के लिए अलग है। तो यहाँ पे जो है वो बैलेंस डलवा लिया है हमने कार में, और अभी बच्चों के साथ हम भी इंजॉय करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। आ जाओ आज स्लाइड पे आओ।
और यहाँ पे जी मारोश और आयज़ा ने बहुत सारी राइड्स ट्राई की और सबसे बेस्ट उनको यही लगी। आयज़ा को भी बड़ा मज़ा आया। 3D होता है ये और बच्चा वैसे ही फील करता है जैसे कि हम गेम के अंदर हैं। तो आयज़ा को ने बहुत जो है ना वो इस गेम को बड़ा जो है वो इंजॉय किया। और उसके बाद फिर मारोश की बारी थी, मारोश ने भी बड़ा इंजॉय किया। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया हम सबको और घूम घूम के अभी हम बड़ा थक गए थे। और बस हमने कहा था कि ये बस आप लोगों की आखिरी जो है ना वो राइड्स हैं, इसके बाद फिर हम लोग कुछ खाने के लिए जाएंगे और सबसे पहले फिर देखते हैं हम लोग किधर जाते हैं। तो यहाँ पे आयज़ा का जो है वो ट्रेन ख़त्म हो गया था, अब मारोज का ट्रेन है। और गेम जो है वो हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी गेम होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होते हैं वहाँ पे, डिफरेंट गेम्स होती हैं। तो अल्ताफ़ वही सिलेक्ट करके बता रहे हैं कि आयज़ा को ये चला के दिया था तो आपने, और जो है वो मारोश के लिए फिर डिफरेंट थीम सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये था कि बहुत ही इंजॉय किया बच्चों ने, बच्चों के साथ हमने भी बहुत इंजॉय किया। और ईद का जो थर्ड डे था वो इस तरह से हमने जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड किया। और आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ कैसे ईद के डेज़ जो हैं वो स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे तो हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम लोग उनकी तरफ जाते हैं, वो हमारी तरफ आते हैं। तो इस तरह से हमारी ईद भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुजरती है। और वहाँ पाकिस्तान में तो ये कि जो है वो सब नेबर्स वगैरह हैं और जो फैमिली फ्रेंड्स हैं और जो भी हैं रिलेटिव्स हैं तो वो सब आपस में आना जाना होता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरह से जो है वो ईद अपनी गुजारते हैं अपने प्यारों के साथ। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए, बच्चों को भूख लग गई थी और पहले मैंने उनको बोला था कुछ खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सबसे पहले आइसक्रीम लेनी है। तो बच्चे जब थक गए थे उसके बाद सबसे पहले उन्होंने आइसक्रीम यहाँ से ली है, वो खाई है, उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे। मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने इनके लिए यहाँ पर वेट किया, उसके बाद हम लोग अभी खाने के लिए कुछ जाएँगे। पता नहीं कैसी होगी, ये क्या, ये नहीं डालो ना, ये तो बढ़ गया है थोड़ा सा। और आगे ये सैलेड में ये वाला कौन सा मशीन से दे ये क्यूकम्बर है। ये लोबिया है, चेरी नहीं क्या ये? नहीं ये हमें खाना है। और यहाँ पे जी हमारा फूड आ गया था और मैंने इटालियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बच्चों के लिए चिकन ऑर्डर कर लिया था। तो जी ये है इटालियन पिज़्ज़ा, ये बहुत मज़े का था और बहुत ही यमी था। ये बीच में जो इन्होंने सैलड और फ्राइज़ डाली हुई थी और साथ में जो है वो मायोनीज़ वगैरह के साथ उन्होंने सर्व किया था। चिकन भी सही था, क्रिस्पी था बहुत। और ये सैलड ले लिया था हमने, तो फूड बहुत मज़े का था, हमने इंजॉय किया। उसके बाद बस अभी हम लोग निकले हैं बाहर, घर की तरफ जाना है हमने। तो ये जी आज का पूरा डे था हमारा, ईद का जो थर्ड डे है वो हमने इस तरह से गुजारा है और बड़ा ही इंजॉय किया हम सब ने। और वैसे आज इतना क्राउड नहीं है क्योंकि आज फ्राइडे है, ईद का थर्ड डे है और फ्राइडे भी है साथ में। तो हमने ये सोचा था क्योंकि यहाँ पे वीकेंड्स पे ना बहुत ही मॉल्स में क्राउड होता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। तो सुकैना जहाँ खेल रही थी मैंने कहा नहीं, सुकैना को अंदर नहीं भेजेंगे और बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। लेकिन जब हम लोग आए तो इतना नहीं था, वैसे आम डेज़ में बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर बाहर क्राउड, लेकिन आज जो है वो इतना नहीं था, फिर भी सही था।
तो लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा नहीं था, तो बच्चे जो हैं वो बड़े आराम से खेले, हम भी बड़ा आराम से घूमे हैं। और बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था यहाँ पे ना इन्होंने, ये जो चांद सितारा बना हुआ था और मस्जिद है, तो बड़ा आराम से घूमे हम यहाँ पे। तो बस अभी हम लोग पार्किंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमने जो है वो गाड़ी पार्क की है। तो बस ये पूरा मेरा आज फुल डे का ब्लॉग यही था, सुबह को हम उठे, नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम लोग तैयार हुए यहाँ पे आ गए। अल्ताफ जो है वो थोड़ी देर ऑफिस गए थे साथ में, और बस अभी हम लोग घर जाएंगे। फिर घर जाके हमने क्या करना है, मूवी देखनी है कोई। तो जी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। आपने ईद अपनी कैसे स्पेंड की तो वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।